एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन शो दैट द थ्री लाइन्स विध डायरेक्शन क्वेश्चाइन यहाँ पर डायरेक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है ट्वेल्व बाई थर्टीन माइनस थ्री बाई थर्टीन माइनस फोर बाय थर्टीन फिर दिया हुआ है फोर बाय थर्टीन फोर बाई थर्टीन टवेल्व बाई थर्टीन एंड थ्री बाई थर्टीन और और एक लाइन का दिया है थ्री बाई थर्टीन माइनस फोर बाई थर्टीन एंड ट्वेल्व बाई थर्टीन और म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये और ये परपेंडिकुलर है ये और ये परपेंडिकुलर है और ये और ये लाइन फर्स्ट और लास्ट लाइन परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला क्या होता है एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू प्लस एन वन इंटू एन टू इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए परपेंडिकुलर होने के लिए तो अब अगर हम इन दोनों लाइन को लेकर चलते हैं फर्स्ट कंडीशन तो इसमें एल वन हो गया ट्वेल्व बाई थर्टीन एल टू हो गया फोर बाई थर्टीन प्लस एम वन हो गया माइनस थ्री बाई थर्टीन और ये ट्वेल्व बाई थर्टीन फिर माइनस फोर बाई थर्टीन प्लस थ्री बाई थर्टीन तो इन सब का जो एलसीएम लेंगे थर्टीन थर्टीन जो वन सिक्सटी नाइन हो जाएगा ये फोर्टी एट माइनस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व तो ये ज़ीरो आ गया ठीक है दैट मीन्स ये और ये परपेंडिकुलर होगा सेकंड कंडीशन लेंगे ये वाला लाइन और इस लाइन का ठीक है सेम फॉर्म में पुट करना है फोर बाई थर्टीन मल्टीप्लाई थ्री बाई थर्टीन प्लस ट्वेल्व बाई थर्टीन मल्टीप्लाई माइनस फोर बाई थर्टीन प्लस थ्री बाई थर्टीन इंटू ट्वेल्व बाई थर्टीन इसमें भी एल वन सिक्सटी नाइन होगा ये हो गया ट्वेल्व माइनस फोर्टी एट प्लस थर्टी सिक्स इसमें भी आ गया ज़ीरो अब थर्ड कर, थर्ड कंडीशन लेंगे फर्स्ट और लास्ट लाइन का इसमें आ जाएगा 12 बाई थर्टीन मल्टीप्लाई थ्री बाई थर्टीन प्लस माइनस थ्री बाई थर्टीन इंटू माइनस फोर बाई थर्टीन प्लस माइनस फोर बाई थर्टीन माइनस फोर बाई थर्टीन इंटू ट्वेल्व बाई थर्टीन इसमें एल सी आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन ये थर्टी सिक्स माइनस प्लस माइनस फोर्टी एट